नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबील का आज उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में आज मनाई जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। आज क्रिसमस की धूम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रीमियर बैडमिंटन लीग में आज हैदराबाद हंटर्स का मुकाबला चेन्नई स्मैशर्स से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एशिया के इस दूसरे सबसे लंबे पुल पर पहली यात्री रेलगाड़ी भी रवाना करेंगे। 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल के लोअर डेक पर दो लाइन की रेल पटरी और टॉप डेक पर तीन लेन की सड़क है। लगभग 5900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये पुल असम के डिब्रूगढ़ के 17 किलोमीटर निचले हिस्से में स्थित है। इसके 120 वर्ष तक सेवा देने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेल संपर्क नदी के दक्षिण तट और उत्तरी तट पर मौजूद दो रेल नेटवर्क को जोड़ता है। एशिया का यह दूसरा सबसे बड़ा रेल और सड़क पुल देश के पूर्वोत्तर इलाके की जीवन रेखा साबित होगा और इससे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी और उत्तरी छोर के बीच संपर्क कायम होगा। इससे उत्तरी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पुल से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैनिकों और उनके साथ सामान को एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से ले जाया जा सकेगा। परियोजना के सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पुल के निर्माण को 2007 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इसके शुरू होने से सड़क और रेल यात्रा दोनों में समय की बचत होगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए इस परियोजना के मुख्य अभियंता मोहिंदर सिंह ने बताया कि इस पुल के निर्माण में 80,000 टन स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है और यह भारत का पहला पूरी तरह वेल्डिंग किया हुआ पुल है। ब्रिज का सबसे बड़ा खूबी यह है कि यह पूरी तरह से वैलिड स्ट्रक्चर है, जो कि इंडिया में इतना लंबा स्पैन के लिए रेल के रोड में कभी नहीं बना। जो ब्रिज का वैलिड स्ट्रक्चर और कम्पोजिट डिजाइन होने से हमारा 20% के करीब इसका बचत हुआ लागत में। इस ब्रिज में हमने कोई रिवेट बोल्ट यूज नहीं किया, पूरा वेल्ड है, इसलिए मेंटेनेंस फ्री है। भूकंप के नजरिए से जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है उन सबको पूरा करते हुए ब्रिज को डिजाइन किया गया, बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए असम के लोगों ने इस पुल के निर्माण पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। अभिजीत पाल, मैं तिनसुकिया का रहने वाला हूँ। बोगीबील ब्रिज बनने से पहले जो दिक्कत होती थी, अभी तो रात हो या दिन हो, आना जाना तो दिक्कत नहीं है। आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत था, पैसे गाड़ी लेके जाने से उसमें किराया भी ज्यादा लगता था और टाइम भी लग जाता था, आपको 3 से 3.5 घंटा तक पार होने में लगता था, अभी तो 1 घंटा का रास्ता हो गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने जनवरी 1997 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन निर्माण कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 21 अप्रैल 2002 को शुरू हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नई दिल्ली में राजघाट के निकट अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल को आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। विविधता में एकता का महत्व उजागर करने के लिए इसके निर्माण में देश के विभिन्न भागों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि समाधि के मध्यवर्ती मंच का निर्माण 9 वर्गाकार ब्लॉकों से किया गया है और बीच में एक दीप प्रज्वलित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों में कवि सम्मेलन, वाद विवाद, कविता पाठ और रंगोली प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। महाराष्ट्र से आए 200 कलाकार लखनऊ में राष्ट्र पुरुष अटल नाटक का मंचन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री के 95वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानायक अटल नामक वार्तालाप कार्यक्रम में भाग लेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए
सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जारी संशोधनों के मसौदे में कहा गया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सरकारी एजेंसियों की आवश्यकता पर सूचना के सही स्रोत की जानकारी देनी होगी। विपक्ष के आरोपों पर मंत्रालय ने कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री का नियमन नहीं करता, लेकिन इन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिए या इन्हें बढ़ावा देने में न किया जाए। इस मुद्दे पर लोगों से 15 जनवरी तक सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री जेटली ने कहा कि इस चुनौती से निपटने का एक उपाय किसानों को अधिक उपार्जन में सक्षम बनाना है। इसके लिए सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करना और किसानों की उपज की खरीद में सहयोग देना जरूरी है। पॉलिसी मैकेनिज्म्स हैव टू बी परमानेंट टू एनेबल द फार्मर्स to earn more, and whatever support has to be given to them has to be given both in their quality of life and agriculture by the state itself. That is, you make life easier and make agriculture remunerative. वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से वाहनों, दूरसंचार, रियल एस्टेट और विमानन क्षेत्र में हाल के बिक्री रुझान पर बारीकी से नजर रखी गई। श्री जेटली ने कहा कि निजी निवेश में तेजी आ रही है, इससे निवेश स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे आर्थिक वृद्धि में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण संबंधी पाबंदियों से उभरने के बाद सरकारी पूंजी का सही निवेश कर सकेंगे। रिजर्व बैंक की आरक्षित निधि सरकार को देने संबंधी एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक जल्दी ही एक समिति गठित करेगा जो इस संदर्भ में आवश्यक निर्णय लेगी। वित्त मंत्री से ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की वर्षांत कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है। वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को जीएसटी दरों में कमी से होने वाले 383 करोड़ रुपए का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाने का दोषी पाया है। प्राधिकरण को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी 28% से कम कर 18% किए जाने के बावजूद कंपनी ने अपने उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी में कमी नहीं की। प्राधिकरण ने कंपनी को जीएसटी दरों में कमी के अनुरूप अपने उत्पादों के मूल्य कम करने को कहा है। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय से अयोध्या मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई की अपील की है। उन्होंने कल लखनऊ में 15वें राष्ट्रीय अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में ये जानकारी दी। श्री रविशंकर प्रसाद ने जोर देकर कहा कि यदि सबरीमाला मंदिर के मामले में ऐसा हो सकता है तो लंबे समय से लंबित चले आ रहे अयोध्या के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसने विभिन्न देशों से भारत में आकर बसने वाले लोगों को शरण दी है। श्री नितिन गडकरी कल नई दिल्ली में गुप्तचर ब्यूरो की 31वीं व्याख्यान माला में बोल रहे थे। उन्होंने ये बात उस समय कही जब देश में भीड़ की हिंसा पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान पर बहस जारी है। श्री नितिन गडकरी ने देश को सुरक्षित और संरक्षित स्थान बनाने में गुप्तचर ब्यूरो की मौन और अथक भूमिका की सराहना की। मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह भोपाल में राजभवन में दिन में 3 बजे होगा। मंत्री पदों के लिए 20 से अधिक नामों को मंजूरी दी गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछले कई दिनों से मंत्रियों की सूची पर आलाकमान की अनुमति के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और अब उन्हें आलाकमान से हरी झंडी मिल गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक या दो निर्दलीय विधायकों को भी नए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस में गुटबाजी के कारण मंत्रिमंडल के गठन में देरी हुई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव और सुरेश पचौरी के नेतृत्व वाले गुटों में विभाजित है और सभी अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिलाना चाहते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। क्रिसमस आज उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज का दिन दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। गिरजाघरों में मध्यरात्रि के समय विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। गोवा में क्रिसमस विशेष उत्साह से मनाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न भागों में गलियों, बाजारों और भवनों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। क्रिसमस समारोह में भाग लेने के लिए कल विश्वभर से श्रद्धालु बेथलेहम में एकत्रित हुए। हजारों की संख्या में स्थानीय और विदेशी तीर्थयात्री मैंगर स्क्वायर में एकत्र हुए और विशाल क्रिसमस ट्री की परिक्रमा की। चर्च ऑफ नेटिविटी में भी भारी भीड़ उमड़ी, जिसे प्रभु ईसा मसीह की परंपरागत जन्मभूमि माना जाता है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के चौथे दिन आज शाम 7 बजे हैदराबाद हंटर्स का मुकाबला चेन्नई स्मैशर्स से होगा। कल शाम अवध वॉरियर्स ने पुणे 7 एसेस को 2-3 से हरा दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने लिखा है सरकार के जीएसटी में फिर राहत की तैयारी के संकेत। अमर उजाला बॉक्स में लिखता है 12-18% का स्लैब खत्म कर आएगी नई मानक दर। दैनिक जागरण ने लिखा है 12-18% दरों का विलय संभव। इकोनॉमिक टाइम्स की पहली खबर है सरकार ने सोशल मीडिया नियमों के प्रारूप पर आम जनता से सुझाव मांगे। अखबारों ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी स्मृति में 100 रूपये का सिक्का जारी करने की खबर को चित्र सहित दिया है। नौशेरा में पाकिस्तानी सेना के संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की चौकियां तबाह करने को जनसत्ता ने विस्तार से पहले पन्ने पर दिया है। दिल्ली एनसीआर में कल तक सभी निर्माण कार्यों में प्रतिबंध और उद्योग बंद अखबारों की बड़ी सुर्खी बनी है। देशबंधु ने प्रदूषण फैलाने वाली तमाम गतिविधियों में सुधार के लिए अहम बिंदुओं को बॉक्स में दिया है। वहीं अमर उजाला लिखता है प्रदूषण का कहर लगातार, तीसरे दिन स्थिति बेहद खराब। पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत में ठिठुरन की खबर भी मुख्य पृष्ठ पर है। वीर अर्जुन ने लिखा है श्रीनगर में ठंड का 11 साल का रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में आज घने कोहरे की आशंका, दैनिक भास्कर की पहली खबर है पारा 3 तक पहुंचने का अंदेशा, रेलगाड़ियों पर भी कोहरे का असर। इकोनॉमिक टाइम्स ने अमेरिका में राजनीतिक अस्थिरता के बीच बाजार में गिरावट और निवेशकों में घबराहट की खबर को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबी रेल सड़क पुल बोगीबील का आज उद्घाटन करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में आज मनाई जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया है। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।